हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कैसे करें। जैसे कि आपने देखा है, अपने कोई भी चैनल सर्च करते हैं तो उस चैनल के नीचे उसके सब्सक्राइबर शो होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वो सब्सक्राइबर शो ना हो तो आप उसे हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड सब्सक्राइबर को हाइड करना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है youtube.com। सर्च करने के बाद आपको ये पेज डेस्कटॉप मोड में खोल लेना है। तो डेस्कटॉप मोड पे चैनल के लोगो पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ YouTube स्टूडियो में जाना है। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपको इस मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ आपको चैनल्स पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग के पे आने के बाद जब हम इसे नीचे करेंगे, तो नीचे करने के बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइबर काउंट। तो अभी यहाँ पर नीचे लिखा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो इसे हमें यहाँ पर अनटिक कर देना है। तो इससे क्या है, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो डिस्प्ले नहीं होंगे सब्सक्राइबर को। और अगर आप उसको शो सब्सक्राइबर को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, और अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को अनटिक कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पर नीचे जाके इसको सेव कर दीजिए। तो ऐसा करने के बाद आपके जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएंगे, वो सिर्फ आपको ही शो होंगे, बाकी सब्सक्राइबर को नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक की करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।